एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, अभी मैं आपको बहुत ही अच्छी जगह पे ले जाने वाली हूँ, तो आप इसी तरह से मेरी वीडियो में बने रहिए। और बाकी मेरे को बर्फ से मार रहा है। क्या चीज़? मेरा शॉट जो कि अच्छे से नहीं लगा उल्टे हाथ से क्या डाला मैंने थार में। सो गाइस, कुछ लोगों को तो आइडिया हो गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये है यहाँ से व्यू। तो मैं अब आपको बता देती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं तानुचूबर। ये है पटवारखाना और वो दिख रहा है वहाँ पे नारकंडा, वहाँ है हाटू, वो दिख रहा है हाटू। बाकी मौसम का बोल रहा है कि 18-19 से ख़राब है, स्नोफॉल में भी हो सकता है, थोड़े बहुत क्लाउड्स आ भी गए हैं। आपका स्वागत है तानुचूबर में। आपको भी दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ के लोगों को तो पता होगा। क्या हो गया? क्या हो गया बेटू? क्यों शेर बन रहा है? आएंगे ना पीछे से। छोटे से पप्पी का खौफ। छोड़े, आप तो बिट्टू घास की तरह ही लग रहे हो। शेम शेम। इसी तरह से हीरो की एंट्री होते हुए। हेलो, कब आया तू? नमस्ते। बस कल ही पहुंचा। आज नारकंडा है। वाह वाह वाह, क्या हालचाल है? तू बता। बस मेरा भाई। अब हम जा रहे हैं फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जो बनाया हुआ है ऊपर, वो दिखाते कैसा कैसा बना है। तो ये है यहाँ का बहुत सुंदर सा मंदिर, जय नाग देवता खाचली। अब हमें ये पता नहीं कि ऊपर कोई होगा भी कि नहीं होगा, पर हम देख लेते हैं। और अभी कुछ हो गया है, जो भी वो गाड़ियाँ आई थी, जो टूरिस्ट आए थे घूमने, जो भी थे, उनके बीच लड़ाई होने लग गई। फिर मैंने जल्दी से कैमरा ऑफ कर दिया। बाकी अब चलते हैं, देखते हैं हमारा जो रेस्ट हाउस बना है यहाँ पे, आपको दिखाते हैं कैसा है वहाँ पे, कितने रूम हैं, कैसे कैसे बना है। मेरे पीछे है रेस्ट हाउस। अब पता नहीं हम अंदर जाने देंगे कि नहीं, मैंने भैया से बात तो की थी शायद। बाकी मैं दिखाती हूँ कैसा है अंदर से बना हुआ। ये है इसके रूम। और ये रहा बैक साइड का व्यू आपका। वाओ,
काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, मतलब अगर आप कोई घूमने आ रहे हो यहाँ पर तो आप यहाँ पर रूम ले सकते हो, बहुत सही है। बाकी मैं आपको बाहर से भी थोड़ा दिखा देती हूँ। और ये है इसका वॉशरूम, नाइस वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा खुला है। यहाँ से कुछ ऐसा है, यहाँ से देखते हैं आगे वो क्या है। यहाँ से जाती है डाउनस्टेयर्स। ये तो जयराम अब यहाँ का मुझे कोई आइडिया नहीं है यहाँ पे क्या है, शायद हॉल हो सकता है। बाकी रेस्ट हाउस बहुत ही अच्छा बना हुआ है, आप आ सकते हो यहाँ पे। बाकी आप यहाँ से सनसेट व्यू का मज़ा ले सकते हो, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से चारों तरफ। आप देख सकते हो यहाँ पे जो बालकनी जहाँ मैंने पहले दिखाया था वहाँ से काफ़ी सुंदर व्यू दिखाई देता है, और यहाँ पे आप सनसेट का पूरा व्यू देख सकते हो आराम से। और हम जा रहे हैं वापस, तो हम इस जंगल वाले रास्ते से जाएंगे जो इको पार्क है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा कैसा है नीचे को जंगल, और वो लोग कहीं भाग गए। ऊपर से मैंने जूते पहने हैं ये, और नीचे जाते जाते मैं कहीं फिसली, भाई संभल के चलना पड़ेगा, गिर भी सकते हैं यहाँ पे। फेवरेट आप तो इसमें ऐसी पूरे आ जाएंगे डेंजरस क्यों है, आप तो इसमें ऐसी पूरे आ जाओगे नीचे। और उधर छोटे भीम की मुंडी पता नहीं कहाँ चली गई। फोटो के लिए तो नहीं, नहीं डस्टबिन है बेचारा छोटा भीम। कहाँ गई बेटा मुंडी आपकी, लोहे की चेन लगी है ना। वाह क्या बात है, मजेदार। ये यहाँ पे न्यू बना, ये वाला न्यू लगा है यहाँ पे। झूलों की प्लेसमेंट थोड़ी, एक बीड़ी पी ले बंदे को, हो जाए एक बार, बस तोड़ना नहीं, टूटेगा यहाँ पे सरकारी खर्चा। आपका टूट सकता है, मेरा तो नहीं टूटेगा। क्यों मेरा क्यों टूट सकता है, नहीं टूटेगा पर वजन कितना ही है। मैं वहां पे बैठ रही हूँ अकेले, मैं बैठती हूँ यहाँ पर। अगर टूटा ओ भाई साहब, ला 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 ला। बचपन के दिन याद आ गए, अगर हम गिरे तो अच्छी तरह से याद आएगा हमारे बचपन के दिन। वाओ चलते हैं वापस, पहले हम यहाँ पे पी लेते हैं चाय कॉफ़ी कुछ, फिर उसके बाद निकलते हैं। अयान गया है गाड़ी लाने, यहाँ लगी है वेट लिस्ट। तो हम पीते हैं कॉफ़ी, बाकी ठंड होगी बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे वॉशरूम भी साथ में बना हुआ है, बाकी पार्किंग भी है अच्छी खासी। तो घूमने का सोच रहे हो ताने जुबर आना चाहते हो तो आपको रेस्ट हाउस भी मिल जाएगा रहने के लिए बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, और यहाँ पे आपको फूड कॉर्नर भी एक तरह से चाय कॉफ़ी मैगी सब कुछ मिल जाएगा। बस हमारी कॉफ़ी कैसे, घर को वो और अयान गए हैं अभी आगे तक थोड़ा, फिर बाकी सनसेट भी होने वाला है, सनसेट से पहले पहले मैंने घर पहुंचना है। बाकी गाइस ऐसा है, आप लोग बोलते हो कि मेरी आवाज़ नहीं आती है, तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, जैसे ही मैं कैमरा ओपन करती हूँ मेरी जो आवाज़ है काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है। बाकी मैं कोशिश करूँगी धीरे धीरे कि अच्छे से थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बोलूँ और अच्छे से ब्लॉग बनाऊँ, कि मुझे ना गाँव में थोड़ी शर्म आती है कि फ़ोन किस तरह से होल्ड करूँ, मेरे ना फ़ोन इस तरह सामने हो भी नहीं पाता है, तो मैं फिर ब्लॉगिंग कर ही नहीं पाती हूँ। पर ऐसे थोड़ा बहुत मैं दिखाई देती हूँ आपको जितना मुझसे होता है, धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी वीडियो में थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाऊँ, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊँ, थोड़ी बहुत बातें भी करूँ आपके साथ। हाँ बस बाकी सनसेट होने वाला है, बाकी मैं पहुँच गई हूँ घर में। सो गया भाऊ,
सो गाइज ये हो रहा है सनसेट। बाकी मैं अब घर पहुंच चुकी हूँ। आज मम्मा ने बहुत सारे कपड़े धोए, मैंने बिल्कुल भी हेल्प नहीं की, है ना मम्मा? कहाँ भाग गए आप? एकाक्ष भी अब उठ गया है ना मम्मा? कहाँ गए थे बेटू हम? मम्मा पापा कहाँ गए थे आपको छोड़ के घूमी घूमी करने? सो गाइज आज के व्लॉग में बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी मैं कोशिश करूँगी वीडियो अच्छी बने और मैं थोड़ा ज़ोर से बोलने की कोशिश भी करूँगी। बाकी बाय बाय, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। ओके एकाक्ष, बाय बाय।